अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल अल्टरेशन इन सेल इंजरी। मॉर्फोलॉजी से मुराद है स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी हम ये देखेंगे कि सेल की इंजरी में स्ट्रक्चरल चेंजेस किस सीक्वेंस में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल अल्टरेशन इन द सेल इंजरी। मॉर्फोलॉजी से मुराद है स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी हम ये देखेंगे कि सेल की इंजरी में स्ट्रक्चरल चेंजेस किस सीक्वेंस में आते हैं। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस समझने से पहले हमें इंजरी की टाइप समझना होगी। इंजरी दो किस्म की होती है, रिवर्सिबल इंजरी, इररिवर्सिबल इंजरी। इंजरियस स्टिमुलाई वो एलिमेंट होता है जो इंजरी कॉज करता है। अगर वो लो मैग्नीट्यूड का हो तो हो सकता है कि इंजरी रिवर्सिबल हो, मतलब सेल दोबारा अपनी असली हालत में जा सकता है। लेकिन अगर इंजूरियस स्टिमुलाई हाई मैग्नीट्यूड का हो या परसिस्टेंट हो तो फिर इररिवर्सिबल इंजरी की तरफ चला जाएगा, मतलब कि अब उसकी रिकवरी नामुमकिन है। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस समझने से पहले हमें इंजरी की टाइप समझना होगी। इंजरी दो किस्म की होती है, रिवर्सिबल इंजरी, इररिवर्सिबल इंजरी। अगर इंजूरियस स्टिमुलाई रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल इंजरी, परसिस्टेंट और एक्सेसिव स्टिमुलाई कॉजेज सेल टू एंटर इनटू ए स्टेट ऑफ इररिवर्सिबल इंजरी व्हिच देन प्रोसीड टुवर्ड्स सेल डेथ। If prompt action is taken and injurious stimuli is withdrawn, cell may regain its function and may return to its normal functioning as before. इसमें यही बात समझाई गई है जो हम पिछली स्लाइड में बता चुके हैं। इंजरी अगर मुसलसल सेल पर असरअंदाज हो रही हो या इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की हो कि सेल बर्दाश्त न कर पाए तो सेल इररिवर्सिबल की स्टेट में चला जाएगा और फिर सेल डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर इंजरी वक्ती हो या कम इंटेंसिटी की हो तो सेल रिवर्सिबल इंजरी में चला जाएगा। इस दौरान अगर हम कुछ एक्शन ले लें या इंजूरियस स्टिमुलाई खुद ही ख़त्म हो जाए तो ये मुमकिन है कि सेल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ लौट जाए। इसको रिवर्सिबल इंजरी कहते हैं। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ चेंजेस इन सेल इंजरी, यानी जिस सीक्वेंस में सेल इंजरी के चेंजेस सामने आते हैं। नंबर वन, लॉस ऑफ सेल फंक्शन। नंबर टू, बायोकेमिकल अल्ट्रेशन। नंबर थ्री, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस। नंबर फोर, लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। नंबर फाइव, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। इससे पहले कि कोई मॉर्फोलॉजिक चेंज हो, सबसे पहले सेल अपना फंक्शन लॉस कर देता है, फिर बायोकेमिकल चेंजेस सामने आते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के चेंजेस नज़र आते हैं, फिर लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, और सबसे आखिर में ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, यानी जिन्हें हम बग़ैर माइक्रोस्कोप की मदद के बआसानी अपनी आँख से देख सकते हैं। लॉस ऑफ सेल फंक्शन, इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज जनरेशन ऑफ एटीपी, लॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, डिफेक्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोस्केलेटल डैमेज, डीएनए डैमेज। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी किस्म की इंजरी हो, उसका सबसे पहला फीचर जो सामने आएगा वो है लॉस ऑफ सेल फंक्शन, मतलब ये कि इस सेल का जो भी स्पेसिफिक फंक्शन हो वो सेल करने के काबिल नहीं होगा। ये जिन वजूहात की वजह से होता है वो हैं, एटीपी जो सेल को एनर्जी फराहम करती है उसका न बनना या कम बनना, दूसरे सेल मेम्ब्रेन की सालमियत बरकरार नहीं रह पाती, तीसरे प्रोटीन सिंथेसिस भी सही तरह से नहीं हो पाती, चौथे
जो सेल का साइटोस्केलेटल होता है, यानी वो प्रोटीन जो सेल का ढांचा बरकरार रखते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं और सेल का डीएनए भी डैमेज हो जाता है। बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशंस, बायोकेमिकल मार्कर्स आर रिलीज्ड व्हिच कुड बी डिटेक्टेड बाय वेरियस मेथड्स। द पीक टाइम फॉर डिटेक्शन ऑफ बायोकेमिकल मार्कर्स डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ मेथड्स यूज्ड टू डिटेक्ट दीज चेंजेस। बायोकेमिकल मार्कर्स आर टिश्यू स्पेसिफिक, लेकिन लॉस ऑफ सेल फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बायोकेमिकल चेंजेस देखना होते हैं। इसके लिए हमें मुख्तलिफ टेस्ट करना होते हैं। हर किस्म के सेल के मुख्तलिफ बायोकेमिकल मार्कर होते हैं और वो इंजरी होने के कितनी देर के बाद हम देख सकते हैं, ये भी हर बायोकेमिकल मार्कर के टेस्ट की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर कार्डियक फेल्योर को हम कार्डियक स्पेसिफिक एंजाइम से डिटेक्ट करते हैं, जिनमें टोपोनिन टी, टोपोनिन आई और सी के एम भी शामिल हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस विच आर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दीज इंक्लूड्स जनरलाइज सेल स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ब्लेबिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लंपिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस में वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शामिल हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से नज़र आते हैं। यानी जब सेल की मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो चेंजेस इतने खफीफ होते हैं कि उन्हें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में उनका देखना नामुमकिन है। इन चेंजेस में शामिल हैं पूरे सेल की स्वेलिंग बशमूल उसके ऑर्गेनेल्स के, इसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्लेब्स बन जाते हैं, राइबोसोम्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो जाना और न्यूक्लियर क्रोमेटिन की क्लंपिंग, ये सब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आएगा। लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, रिवर्सिबल इंजरी अपेरेंट विद इन मिनट्स, इरिवर्सिबल इंजरी टेक्स 4 to 12 आवर्स। लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस इंक्लूड सेल स्वेलिंग, फैटी चेंज। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइट माइक्रोस्कोप में भी आया हो जाते हैं। अगर सिर्फ रिवर्सिबल इंजरी हो तो चेंजेस के आने में चंद मिनट लगते हैं, जिनमें सेल स्वेलिंग और फैटी चेंज शामिल हैं। लेकिन जब इरिवर्सिबल इंजरी हो तो उसमें चेंजेस आने में तकरीबन 4 से 12 घंटे तक लग सकते हैं। ये स्लाइड पिछली तमाम स्लाइड का खुलासा है जो इस ग्राफ की मदद से पेश किया गया है। इसमें नुमाया है कि सबसे पहले सेल का फंक्शन लॉस हो जाता है। इस दौरान सेल के पास चांस होता है कि वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पर लौट जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो रिवर्सिबल स्टेट से निकलकर इररिवर्सिबल इंजरी यानी कि सेल डेथ की तरफ चला जाता है। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस में सबसे पहले आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, फिर इसके बाद आते हैं लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस और सबसे आखिर में हमें ग्रॉस चेंज नज़र आता है। ये स्लाइड पिछली तमाम स्लाइड का खुलासा है जो इस ग्राफ की मदद से पेश किया गया है। इसमें नुमाया है कि सबसे पहले सेल का फंक्शन लॉस्ट होता है। इस दौरान सेल के पास चांस होता है कि वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पर लौट जाए। अगर वो ऐसा
नहीं कर पाता तो वो रिवर्सिबल स्टेट से निकलकर इरिवर्सिबल इंजरी यानी कि सेल डेथ की तरफ चला जाता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, फिर इसके बाद आते हैं लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, और सबसे आखिर में हमें ग्रॉस चेंज नज़र आता है। ये स्लाइड पिछली तमाम स्लाइड का खुलासा है जो इस ग्राफ की मदद से पेश किया गया है। इसमें नुमाया है कि सबसे पहले सेल का फंक्शन लॉस हो जाता है। इस दौरान सेल के पास चांस होता है कि वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पर लौट जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो रिवर्सिबल स्टेट से निकलकर इरिवर्सिबल इंजरी यानी कि सेल डेथ की तरफ चला जाता है। मॉर्फोलॉजिक चेंजेस में सबसे पहले आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, फिर इसके बाद आते हैं लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, और सबसे आखिर में हमें ग्रॉसली चेंज नज़र आता है। कुछ मसला? थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन चलते वक्त मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि वो सारी स्लाइड्स जो आपके सामने दिखाई गई हैं उनको खूब गौर से अच्छी तरह से याद कर लें, तो ये आपके लिए इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफिज़।